नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। रावण के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें जो आप शायद नहीं जानते होंगे, आइए आज आपको दिखाते हैं। रावण जितना दुष्ट था उसमें उतनी खूबियां भी थीं। इसीलिए कई बुराइयों के बाद भी रावण को महाविद्वान और प्रकांड पंडित माना जाता था। रावण से जुड़ी कई रोचक बातें हैं जो आम कहानियों में सुनने को नहीं मिलती। विभिन्न ग्रंथों में रावण को लेकर कई बातें लिखी हैं। फिर भी रावण से जुड़ी कुछ रोचक बातें हैं जो कई लोगों को अभी भी नहीं पता। आइए जानते हैं रावण के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें। वीर योद्धा था रावण। रावण जब भी युद्ध करने निकलता तो बहुत आगे चलता था और बाकी सेना पीछे होती थी। उसने कई युद्ध तो अकेले ही जीते थे। रावण ने यमपुरी जाकर यमराज को भी युद्ध में हरा दिया था और नरक की सजा भुगत रही जीवात्माओं को मुक्त कराकर अपनी सेना में शामिल कर लिया था। इतना वीर होने के बाद भी रावण कई लोगों से हार गया था। कैसे हारा रावण? दोस्तों, बाली ने रावण को अपनी बाजू में दबाकर चार समुद्रों की परिक्रमा की। बाली इतना ताकतवर था कि वो रोज सुबह चार समुद्रों की परिक्रमा कर सूर्य को अर्घ देता था। रावण जब पाताल के राजा बाली से युद्ध करने पहुंचे तो बाली के महल में खेल रहे बच्चों ने उसे पकड़कर अस्तबल में घोड़ों के साथ बांध दिया। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपनी हजार हाथों के नर्मदा के बहाव को रोककर पानी इकट्ठा किया और उस पानी में रावण को सेना सहित बहा दिया। बाद में जब रावण युद्ध करने पहुंचा तो सहस्त्रबाहु ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। रावण ने शिव से युद्ध हार कर उन्हें अपना गुरु बनाया था। रावण के मन में महिलाओं के प्रति दुर्भावना थी। वो उन्हें सिर्फ उपभोग की वस्तु मानता था, जिसके कारण उसे रंभा और सीता सहित कई महिलाओं के शाप भी लगे और जो उसके लिए विनाशकारी बने। भगवान महिलाओं का अपमान करने वालों को कभी माफ नहीं करता, क्योंकि दुनिया में जो पहली पांच संतानें थीं, उनमें से पहली तीन संतानें लड़कियां थीं। भगवान ने महिलाओं को पुरुषों से आगे रखा है। रावण अपनी शक्ति के अहंकार में ये बात नहीं समझ पाया। रावण को सिर्फ तारीफ सुनना पसंद था। उसकी ये सबसे बड़ी कमजोरी थी कि उसे अपनी बुराई पसंद नहीं थी। गलती करने पर भी वो दूसरों के मुंह से अपने लिए सिर्फ तारीफ ही सुनना चाहता था। जिसने भी उसे उसकी गलतियां दिखाई, उसने उन्हें अपने से दूर कर दिया। जैसे उसका भाई विभीषण, उसके नाना माल्यवंत, मंत्री शुक आदि। वो हमेशा चापलूसों से घिरा रहता था। रावण शराब से बदबू मिटाना चाहता था, ताकि संसार में शराब का सेवन करके लोग अधर्म को बढ़ा सके। भगवान की सत्ता को चुनौती देने के लिए रावण ने स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाने की कोशिश की थी, ताकि जो लोग मोक्ष या स्वर्ग पाने के लिए भगवान को पूजते हैं, वो रावण को ही भगवान मानने लगे। रावण को अपने बल पर बहुत विश्वास था। उसे अपनी शक्ति पर इतना भरोसा था कि वो बिना सोचे समझे किसी को भी युद्ध के लिए ललकार देता, जिससे कई बार उसे हार का मुख देखना पड़ा। रावण युद्ध में भगवान शिव, सहस्त्रबाहु अर्जुन, बाली और राजा बाली से हारा था, जिनसे रावण बिना सोचे समझे युद्ध करने पहुंच गया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सभी योद्धाओं के रथ में अच्छी नस्ल के घोड़े होते थे, लेकिन रावण के रथ में गधे हुआ करते थे और वो बहुत तेज चलते थे। रावण चाहता था कि मानव रक्त का रंग लाल से सफेद हो जाए। जब रावण विश्व विजय यात्रा पर निकला तो उसने सैकड़ों युद्ध किए, करोड़ों लोगों का खून बहाया, सारी नदियां और सरोवर खून से लाल हो गए, प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा और सारे देवता इसके लिए रावण को दोषी मानते थे। तो उसने सोचा कि रक्त का रंग लाल से सफेद हो जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा कि उसने कितना रक्त बहाया, वो पानी में मिलकर पानी जैसा हो जाएगा। रावण खुद काला था, इसलिए वो चाहता था कि मानव प्रजाति में जितने भी लोगों का रंग काला है वो गोरे हो जाएं, जिससे कोई भी महिला उनका अपमान ना कर सके।
रावण संगीत का बहुत बड़ा जानकार था। सरस्वती के हाथ में जो वीणा है उसका आविष्कार भी रावण ने किया था। रावण ज्योतिषी तो था ही, तंत्र मंत्र और आयुर्वेद का भी विशेषज्ञ था। रावण चाहता था कि सोने में खुशबू होनी चाहिए। रावण दुनिया भर के स्वर्ण पर खुद कब्जा जमाना चाहता था। सोना खोजने में कोई परेशानी ना हो इसलिए वो उसमें सुगंध डालना चाहता था। और रावण का इरादा था कि वो संसार से भगवान की पूजा की परंपरा को ही समाप्त कर दे, ताकि फिर दुनिया में सिर्फ उसकी पूजा हो। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि रावण के दरबार में सारे देवता और दिग्पाल हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। रावण के महल में जो अशोक वाटिका थी उसमें अशोक के 1,00,000 से ज्यादा वृक्ष थे। इस वाटिका में रावण के सिवाय किसी भी अन्य पुरुष को जाने की अनुमति नहीं थी। एक बार रावण भगवान शंकर से मिलने कैलाश गया। वहां जाकर उसने नंदी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। तब नंदी ने रावण को श्राप दिया कि बंदरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। तो ये तो थी रावण से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको नहीं पता होंगी। ऐसी ही और बातों के लिए जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके के साथ।